Hey everyone, welcome back to my channel. आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप यूजेस ऑफ ग्लिसरीन. जब मैंने स्किन केयर अंडर ₹300 में आप लोगों को ग्लिसरीन दिखाया था तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं ग्लिसरीन के यूजेस के बारे में आपको बताऊँ. जैसे कि आप सब जानते हैं सर्दियाँ आने वाली हैं और हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा क्रैकी हो जाती है, तो उसमें ये ग्लिसरीन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. आप लोगों को मालूम ही होगा ग्लिसरीन हमारे स्किन को स्मूथ बनाता है, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है और सर्दियों में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है. और ये हमारे पिंपल्स को, स्कार्स को और हमारे जितने भी पिगमेंटेशन है उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. जितनी भी पिगमेंटेशन होती है आपकी बॉडी में वो भी इससे दूर हो जाती है. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. मैं आपको बताती हूँ कि इसके और कैसे कैसे अमेजिंग यूजेस हैं और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. पहले यूज़ है कि आप इसे टोनर की तरह यूज़ कर सकते हैं. आप ले सकते हैं एक स्प्रे बॉटल और उसमें इतना पार्ट आपको जो है पानी का या रोज़ वाटर का डालना है और बीच में एक या दो कैप जो है ग्लिसरीन के डालनी है. और अगर आपकी स्किन ऑयली है तब भी ये टोनर आपके लिए उतना ही काम करेगा जितना कि ड्राई स्किन वालों के लिए करेगा या फिर सेंसिटिव स्किन वालों के लिए करेगा. मैं यहाँ पे जो है लोकल ब्रांड का ग्लिसरीन यूज़ कर रही हूँ. ये आपको किसी भी लोकल जो मेडिकल शॉप होती है वहाँ पर मिल जाएगा. यहाँ पे मेरा ₹18 का है. आपको जो भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे मिले आप वो ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहला यूज़ तो यही हो गया कि ये टोनर का काम करता है. दूसरा यूज़ इसका ये है कि ये जो है आपकी फेस वॉश का भी काम करता है. बस अपने हाथ पर थोड़ा सा हर रोज़ मॉर्निंग में थोड़ा सा, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए है. कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो जस्ट ये जो ऊपर का ढक्कन है आप ये लीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, ये रोज़ वाटर ऐड कीजिए और इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए. आप इसमें रॉ मिल्क भी ऐड कर सकते हैं. अगर आपकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है तो आप रॉ मिल्क ऐड करके इसे अपने फेस पे हर रोज़ सुबह, मतलब इससे अपना फेस धोइए. आपकी स्किन एकदम से ग्लो करने लग जाएगी और स्किन हाइड्रेट भी रहेगी. और इसका तीसरा यूज़ ये है कि जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्श जो स्क्रबर होता है या फिर फेस वॉश होता है वो सूट नहीं करता. उनकी स्किन के ऊपर जो है रेडनेस आ जाती है, तो वो भी इस ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं. अपना कोई भी फेस वॉश लीजिए, उसको माइल्ड बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड करके उससे फिर अपने फेस को वॉश कीजिए. या फिर आप स्क्रबर यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रबर में से ऐड करके डालिए. ये फेस वॉश या स्क्रबर आपकी स्किन के लिए हार्श नहीं होगा और ये उतना ही काम करेगा जितना जैसे कि बाकी माइल्ड फेस वॉशेज या स्क्रबर्स आपके लिए काम करते हैं. की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. जस्ट आपको थोड़ा सा ग्लिसरीन लेना है और थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली लेना है. कोई भी पेट्रोलियम जेली ले सकते हैं. मैं यहाँ पे वेसलीन का लेती हूँ. जस्ट आपको थोड़ा सा वेसलीन अपने हाथ पे लेना है और तो एक दो ड्रॉप्स जो है ग्लिसरीन के लेनी है और उसे अपने फेस पर अप्लाई करके सो जाना है. अंडर आई एरिया पे अप्लाई करना है. इससे आपकी जितने भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, जितनी भी ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी. और ये आपकी यही सेम जो आपको ग्लिसरीन और पेट्रोलियम जेली वाला जो नाइट क्रीम आपको मैंने बताया है उसे आप उसे क्रैक क्रीम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. जस्ट अपने हाथ पे पेट्रोलियम जेली लीजिए, कुछ एक ड्रॉप जो है ग्लिसरीन की लीजिए और अपने जो क्रैक हील्स हैं उस पर लगाइए और सॉक्स पहनकर सो जाइए और नेक्स्ट मॉर्निंग आप खुद ही रिजल्ट देखेंगे. आप कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं और आप कोई भी जो केमिकल वाला मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ नहीं करना चाहते तो आप घर पर ही अपना मॉइस्चराइज़र बना सकते हैं. आपको चाहिए थोड़ा सा एलोवेरा जेल और थोड़ा सा ग्लिसरीन और इसे मिलाकर थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए. व्हाइट कलर का एक सीरम सा बन जाएगा और वो मॉइस्चराइज़र आप अपने फेस पर लगाइए और आप रिजल्ट देखेंगे. वो बिल्कुल ही मॉइस्चराइज़र का काम करेगा. आपको कोई भी मार्केट से मॉइस्चराइज़र लेने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आप कोई ऐसा सॉफ्ट ढूंढ रहे हैं कि जो आपके स्किन पर थोड़ा सा जेंटल हो, कोई भी हार्श ना हो, तो आप अपने किसी भी शावर जेल में जो है थोड़ा सा एक या डेढ़ कप ग्लिसरीन डाल सकते हैं. अगर आप वो भी यूज़ नहीं करना चाहते, जस्ट ग्लिसरीन से आप अपना शावर ले सकते हैं तो भी आपका उतना ही काम आएगा. जैसे कि ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि नॉर्मल जो है शावर जेल करते हैं. जस्ट ग्लिसरीन लीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए और इसे एज अ सॉप अपनी बॉडी पर रब कीजिए और ये एकदम परफेक्ट काम करेगा. अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव है और आप कोई भी फेस पैक लगाते हैं तो आपकी स्किन पे जो है क्रैक्स पड़ जाते हैं या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो भी आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं. जस्ट कोई भी फेस पैक लीजिए और उसमें एक ढक्कन जो है ग्लिसरीन का ऐड करके फिर वो फेस मास्क अपने फेस पर अप्लाई कीजिए और आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट
रहने लग जाएगी। और अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तब भी आप ग्लिसरीन को वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसे नॉर्मल ड्राई स्किन वाले या सेंसिटिव स्किन वाले कर रहे हैं। ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, ना ही आपकी स्किन को ऑयली करेगा। आप बस डायरेक्टली इसे यूज मत कीजिए, ये बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है तो आपकी स्किन के ऊपर थोड़ा सा चिपचिपा लगेगा, इसलिए मैं बाकी चीजों के साथ इसे मिलाकर आपको लगाने को सजेस्ट कर रही हूँ। स्किन को फेयर करना चाहते हैं एक या दो टोन जो है लाइट करना चाहते हैं, एक्चुअली ये कोई भी ऐसे क्रीम नहीं बनेगी जो आपकी स्किन को इतना गोरा बना दे या कुछ कर दे, जस्ट ये आपकी पिगमेंटेशन को कम कर सकती है। जैसे कि हमारी टैनिंग हो जाती है या हमारी बॉडी के ऊपर जो बाय बर्थ हम बचपन में जैसे गोरे होते हैं और बड़े होते रहते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर वो गोरापन नहीं रह जाता, तो आपका बर्थ का कलर आपको देने के लिए अगर आप कोई चीज ऐसा ढूंढ रहे हैं तो ये एकदम परफेक्ट है। जस्ट आपको रोज वाटर लेना है, ग्लिसरीन लेना है, थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी लेना है और उसमें हल्का सा नींबू डालना है और वो वाला पैक आपको हफ्ते में दो बार अपनी स्किन पर अप्लाई करना है और एक महीने बाद आपको रिजल्ट मिल जाएंगे कि आपके स्किन का जो टोन है, जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो रहा है। कुछ मेरे ग्लिसरीन पे यूजेस जो आपको किस तरीके से ग्लिसरीन को अपने फेस पर अप्लाई करना है, इसका एक और ट्रिक है वो आपके बालों के लिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो आप इसे एज ए सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट वही सेम ग्लिसरीन लीजिए, थोड़ा सा रोज वाटर या पानी मिक्स कीजिए, अपने हाथों पे इस तरीके से सीरम की तरह यूज़ कीजिए और नीचे नीचे अपने बालों के यहाँ यहाँ लगा लीजिए, तो आपके स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम जो है, आपके फ्रीजी हेयर्स की प्रॉब्लम है वो एकदम से दूर हो जाएगी। तो बस यही थे कुछ मेरे यूजेस ग्लिसरीन के, जिस तरीके से मैं ग्लिसरीन को यूज़ करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ये टिप यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको आपके ये टिप ने कैसे काम किया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप नए हैं तो, उसके साथ बेल बटन है उसको भी क्लिक करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, तो उसे फटाफट से क्लिक कर लीजिए। आप मुझे सभी सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, फेसबुक सब पर अवेलेबल हूँ। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी होती है। तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।